हाँ हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, मैरी योर मनी फॉर इट्स ग्रोथ। मैं अपनी किताब जो मेरी आ रही है रियल स्टेट DNA, उसमें भी मैंने एक चैप्टर डाला कि अपने पैसे की शादी करो। इससे पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने लिखा है कि अपने पैसे की शादी करो। आज फिर आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपके पास पैसा है तो आप उसकी शादी करो, उसकी वंशावली बढ़ाओ। जैसे हम अपने बच्चों की शादी करके अपना खानदान आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से हमारे जो पैसा है, हमारे पास जितना भी पैसा है, उसकी शादी करके उसको ग्रो करवाना है। यदि वो पैसा आपका ग्रो नहीं करेगा तो आपका पैसा ख़त्म होते होना हो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना मर्जी पैसा हो, जब तक पैसा जनरेट नहीं होगा तब तक पैसा आपका ख़त्म होने की कगार पर ही जाएगा। आपको सबसे पहले अपने लिए पैसा जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आदमी पैसा जनरेट नहीं करता उस आदमी को कोई हक नहीं कि वो पैसा खर्चे। यदि वो पैसा खर्चेगा तो अपने प्रिंसिपल में से खर्चेगा, और प्रिंसिपल जो है वो उसका ख़त्म होता जाएगा। इसलिए ये फार्मूला जो मैं हमेशा कहता हूँ, M3 का मतलब मनी मेकिंग, मैनेजिंग और मल्टीप्लाइंग, ये इसका याद रखना है, ये ध्यान रखना है। ये M3 का फार्मूला बहुत ज़रूरी है। जो आदमी अपने पैसे के बारे में सीरियस नहीं है तो वो अपने बच्चों के बारे में भी सीरियस नहीं है। ये बिल्कुल अपने इसकी गांठ बांध लो, ये बात 100% आपके साथ रहेगी कि जो बंदा अपने पैसे के बारे में सीरियस नहीं है वो अपने बच्चों के बारे में भी सीरियस नहीं रहेगा। क्योंकि वो बंदा अपने बच्चों का जो भविष्य का पैसा आप उसके पास पड़ा है, चाहे उसके दादे की प्रॉपर्टी से आया हो, चाहे किसी तरीके से आया हो, वो ख़त्म कर देगा तो बच्चों का फ्यूचर जो है इतना मतलब ख़राब हो जाएगा कि बच्चों को कई बार मजदूरी करनी पड़ सकती है। सो आपने ये ध्यान रखना है, आपके पास यदि पैसा है तो पैसे को ख़त्म नहीं होने देना, बल्कि पैसे को आगे से आगे बढ़ाना है। जैसे किसी जोड़े की शादी होती है, 2-3 साल 4 साल किसी का बच्चा नहीं होता तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि देखो डॉक्टर साहब, इसमें कोई नुक्स तो नहीं है, बेटे में नुक्स है या उसकी घरवाली में नुक्स है। वो नुक्स दूर करवा के दवाई देते हैं ताकि उनका खानदान आगे बढ़ जाए। यदि आपको भी ये प्रॉब्लम है, पैसे के बारे में ये प्रॉब्लम है, तो आप भी पैसे के डॉक्टर के पास चले जाओ। यदि आप पैसे के डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो आपको इस बात का इलाज दे देगा। पैसे के डॉक्टर का मतलब है किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हो। यदि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास चले जाओगे तो वो आपको कोई ना कोई रास्ते बता देगा। ये मैंने जो लिखा है, ये मैं अपनी किताब में भी कई बार दे चुका हूँ, ये मैंने दिया। ये नोशनल इनकम है। नोशनल का मतलब है पक्की नहीं है लेकिन सच्चाई के आसपास है। 1940 में जो बंदा 10 रुपये कमा रहा था, और वो 20 साल के बाद, ये देखो 20 साल और इसको 10 गुना होगी, चल इसका इनकम 10 गुना होगी, और 1980 फिर 20 साल और ये फिर 10 गुना, और फिर 20 साल ये फिर 10 गुना, और ये फिर 20 साल ये फिर 10 गुना। सिंपल, 1 लाख अभी भी 20 साल जाएंगे तो 20 साल के बाद ये फिर 10 गुना हो जाएगी। मतलब 1940 में जो 10 रुपये कमा रहा था, 1960 में वही बंदा 100 रुपये महीना कमा रहा था, और 1980 में वो 1000 रुपये महीना कमा रहा था, और 2000 में वो 10000 रुपये महीना कमा रहा है, और 2020 में 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, या उसको कमाना चाहिए। मतलब ये कौन थे बंदे, जो कोई क्लर्क थे, फौजी थे, पटवारी लगे हुए थे, मतलब जिसको स्केल 3 में हम कहते हैं, ऑफिसर नहीं थे, लेकिन ये मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बारे में ये बात मतलब लिखी है कि मिडिल क्लास फैमिली की इनकम इतनी थी, तब जाके वो आके 2020 में 1 लाख रुपया। अब आप देखो, अभी भी बैंक में यदि कोई क्लर्क लगे हुए हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में जो मेरे साथ के बंदे हैं, और बिजली बोर्ड में लगे हुए, LIC में लगे हैं, उनकी जो सैलरी है 1 लाख के आसपास है। मतलब ये नोशनल डाटा है और बिल्कुल सच्चाई के आसपास है। अब इस बात को लेके
मैं और चिंतित हूँ कि यदि ये 20 साल के बाद हमारी इनकम जो है, हमारी इनकम है या कैपिटल है 10 गुना बढ़ रही है, तो कम से कम ये बात भी नोट करने वाली है कि यदि आप हमारे पास आज 1 CR है, तो फिर 10 साल के 20 साल के बाद कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स तो कम से कम 10 CR होना चाहिए, तब जाके इसको जस्टिफाई होगा। और ये सिर्फ एम्प्लाई की बात है, किसी बिजनेसमैन, किसी एंटरप्रेन्योर की बात नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर की बात नहीं है तो आपके पास 20 साल के बाद इसको 10 गुना होना चाहिए। लेकिन मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि हमारा एक बंदा 2008 में 2 सितंबर को उसने रजिस्ट्री कराई थी 2,06,00,000 रुपए की, और आज उसके पास, मेरे को लगना है कि उसके पास 20-30 लाख रुपए का कर्जा हो सकता है, उसके पास पैसा कोई नहीं है। तो यदि ये नौबत आ जाती है तो वो जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है निर्धन इज इक्वल टू मौत, वो 100% सही हो जाती है, क्योंकि जिसके पास पहले पैसा होता है उसको सभी लोग सल्यूट करते हैं, सभी लोग अपने साथ जुड़ना, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और जब वो आदमी पैसा खत्म कर लेता है तो हर आदमी उससे दूर भागना शुरू कर देता है, कि क्योंकि लोग, कई लोग तो ये भी कह देते हैं, अपने दोस्तों को भी कह देते हैं कि यार उससे बचना, वो कहीं ऐसा ना हो तो वो बंदा टाइट चल रहा है, वो फाइनेंशियली टाइट है, कहीं आपसे पैसे ही ना मांग ले, वो लोगों में भी फैला देते हैं बात। तो इसीलिए मैंने निर्धन को मौत कहा था, जिसके पास पहले पैसा है वो, उसके पास से यदि पैसा चला जाए तो वो निर्धन इज इक्वल टू निधन, वो निधन ही हो जाता है। जिसके पास नहीं है वो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब पैसा होने के बाद पैसा चला जाता है तो निर्धन इज इक्वल टू निधन ही हो जाता है। सो आपने ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी सी बात है, 1 करोड़ का यदि 20 साल बाद आपके पास 10 करोड़, आपके खर्चे भी रहेंगे, आपका सब कुछ रहेगा। यदि 1 करोड़ का 10 करोड़ ना हुआ तो ये समझो यू आर लूजिंग योर मनी, आप अपने पैसे को ख़त्म कर रहे हो। सो ये सिंपल बातें हैं, थोड़ी सी टेक्निकल भी हो सकती हैं, चलो हमारे लिए, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे को पढ़ने का शौक है और वीडियो सुनने का शौक है, अच्छे बंदों के साथ मीटिंग करने का शौक है, बैठने का शौक है, उनके साथ हम बात करते हैं, बात बात में से हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आप भी यदि ये बातें सीखना चाहते हो तो किसी ना किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट का सहारा लो, किसी अच्छे बंदे का सहारा लो, अपने बढ़िया दोस्त बनाओ, अपने ऐसे दोस्त बनाओ जो पैसे के बारे में सीरियस हो। जो बंदा पैसे के बारे में सीरियस नहीं है उस बंदे से थोड़ा दूर हट जाओ, नहीं तो वो जो आपके पास है वो भी एक दिन ले डूबेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये मैं मतलब प्रूवन टॉपिक है, मेरी किताबों में भी है और मेरे वीडियोस में भी है, ये बार बार बोलता हूँ मैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से, इस वीडियो से आप बहुत कुछ लर्न करोगे और ज़िंदगी में उसको अप्लाई करोगे। यदि आप ये ज़िंदगी में अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं नुकसान में या कहीं ना कहीं और मतलब किसी तरीके से डार्कनेस में आ जाओगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई इस वीडियो में कोई आपको नुक्स लग रहा है, कोई और चीज़ ऐड होनी चाहिए थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, इस चैनल के साथ बने रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, राजवंशी बहाली।